अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है, खासकर अगर आप सऊदी अरब से पैसा भेजते हैं, इंडिया हुंडी से पैसा भेजते हैं, और भी बहुत सारी न्यूज़ है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, अगर एग्जिट एंट्री से भी न्यूज़ है और आप लोगों के लिए खास न्यूज़ है। तो सऊदी में रहने वाले हमारे जितने भी अजनबी भाई हैं, फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लास्ट तक, तभी आप पूरा न्यूज़ समझ पाएंगे। आइए न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, सऊदी के अंदर में हैं आप, इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके का गर्मी सऊदी अरब के अंदर अभी चल रहा है, 50 डिग्री का 48 डिग्री का, तो आपकी गाड़ी में पावर बैंक, माचिस या लाइटर या ऐसा कोई भी सामान, ऐसा कोई भी स्प्रे टाइप से कोई स्प्रे, और आपको हैंड सैनिटाइज़र अगर है ऐसा कुछ, तो फ़ोन भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना, ठीक है। फ़ोन, बैटरी, एरोसॉल, सिगरेट, लाइटर्स, गैस सिलेंडर एंड बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, ऐसा कुछ भी गाड़ी के अंदर है, आपकी कार के अंदर है, तो उसके मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी कार में आग लग सकता है। अगर आप सिगरेट भी पीते हैं, यहाँ तक कि परफ्यूम भी रखते हैं, तो मत रखिएगा, क्योंकि गाड़ी हीट होने पर गाड़ी में आग लग सकता है। अगली न्यूज़ ये देखिए, अरेस्ट ए रेजिडेंट फॉर कलेक्टिंग मनी एंड ट्रांसफरिंग इट इलीगली आउटसाइड द किंगडम। तो न्यूज़ यहाँ है, ये रही न्यूज़। तो जिद्दा में एक आरोपी को पकड़ा गया है जो कि विदेशी है और वो हुंडी का काम करता था। आप लोग अगर हुंडी से पैसा भेजते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हांडी लिखा है यहाँ पे, अगर आप हुंडी से सऊदी अरब से पैसा भेजते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं भी, हुंडी से पैसा हम क्यों भेजते हैं, क्योंकि हमें करेंसी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हम पैसा भेज देते हैं हुंडी से। हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऐसे तिहल्ले आदमी को अपना 1,000 रियाल 2,000 रियाल दे देते हैं, वो हमारे घर पे पैसा सेंड कर देता है। तो हुंडी से पैसा भेजने के लिए आप लोग सोचते हैं या पैसा भेजते हैं, तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी फ़ाइन आ सकता है। तो यहाँ पे पकड़ लिया गया है ऐसे, आप देख लो, जब आप हुंडी से पैसा भेजते हो, तो आप बोलोगे जावेद भाई हमें कैसे पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को। हुंडी से पैसा भेजने के टाइम पे आप अपना बैंक अकाउंट देते हो कि नहीं देते, जहाँ आपको पैसा भेजना है देते हो ना, घर पे जो आप पैसा भेजते हैं तो बैंक अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह देते हैं ना, ऐसे तो नहीं भेजते हैं ना, बिना बैंक अकाउंट के कहाँ भेजेंगे, बताते हो ना अपना घर का एड्रेस, नाम, पता, हर चीज़ बताते हो ना, तो अगले आदमी के पास सारा डिटेल आपका है। तो अगर इनको पकड़ा तो आपको भी पकड़ेंगे, तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि हुंडी से पैसा भेजने पे आपको ही नुकसान है। अब आप कहोगे यार हम तो 50 साल से भेज रहे हैं, 20 साल से भेज रहे हैं, 10 साल से भेज रहे हैं, हमें तो कोई पकड़ा ही नहीं। तो भेजने वाला एक महीना पहले भी भेजना शुरू करेगा ना, पकड़ने वाला तुरंत पकड़ लेगा। और पहले में और अभी में बहुत फ़र्क है सऊदी के अंदर में, ठीक है, फर्जीवाड़ा करके बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं, तो होशियार रहिएगा, खासकर गैर मुल्की जो हमारे भाई हैं। खासकर मैं बोलूँगा सऊदी के अंदर से तो भाई हुंडी से पैसा भेजिए ही मत। अगर आप सऊदी अरब से पैसा भेजना चाह रहे हैं इंडिया, तो ये रेट देख सकते हैं, इंडिया का रेट है, ठीक है, बैंक का रेट है, आप देख सकते अच्छे से, 21 रुपया मिलेगा अभी आपको पैसा भेजने का। अगली न्यूज़ है, मैं शेयर करूँगा, सऊदी के अंदर आपको पता है कि हज सीज़न चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब कुछ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कमेंट कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हज हो गया, और अगले नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हाजी आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए यहाँ पे 5 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। हज और उमरा मंत्रालय ने कहा है कि उमरा करने वाले लोगों को सेवा प्रदान करने में 5 ऐसी कंपनियाँ हैं यहाँ पे जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है। वो लोग ने जो बोलते हैं ना कि उमरा में हम आपको ये पैकेज देंगे, वो पैकेज देंगे, वो पैकेज ना दे करके उनसे धोखाधड़ी किया गया, उनसे पैसे ज़्यादा लिए गए, इसके लिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, ठीक है, तो उमरा करने के लिए। तो अगली न्यूज़ में आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन और सर्कुलर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी और एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियली सर्कुलर जारी किया गया है, लाइव लोगों के ट्विटर अकाउंट से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मुस्लिम कंट्रीज सम्मन, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर, 7 मुस्लिम कंट्री, कतर, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अजरबैजान ने सम्मन भेजा है, इंडियन एम्बेसडर इन कनेक्शन विद द रिमार्क्स ऑन प्रोफेट मोहम्मद। नूपुर शर्मा ने जो गलत बयानी की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, उसी के बारे में, और आपको पता है कि इन सभी देशों ने सर्कुलर जारी किया था गलती मानने के लिए, तो इसके बारे में एक नया सर्कुलर आया है, यहाँ पे बताया गया दोबारा से
कि सर्कुलर भेजा गया है क्यों क्यों कौन से बिहार, देखिए ए ए में क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए के बारे में लिखा है, बी और सी डिटेल अब तक नहीं गया है, एम्बेसडर लोगों ने अब तक डिटेल नहीं दिया है कि ऐसा क्यों हुआ घटना, ऐसा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में क्यों बोला गया, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, अब तक इसके बारे में पूरी न्यूज़ नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दूं, जब से जुबैर भाई, मोहम्मद जुबैर भाई को बेल दिया गया है, तब से जितने भी गोदी मीडिया हैं सबको मिर्ची लग चुकी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ है, सऊदी अरब ने लगभग 10,000 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्यों गिरफ़्तार करते हैं, बहुत सारे लोग इकामा काम कफिर से भागते हैं, कंपनी से भागते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। ये पिछले महीने की बात है, 64,000 से भी ज़्यादा लोग को गिरफ़्तार किया गया है, समझ गए। तो ये थी कुछ न्यूज़ ख़ासकर सऊदी अरब की। तो आगे कुछ आपके लिए स्पेशल कमेंट्स के जवाब लेके आया हूँ मैं, ये रहा जवाजात की तरफ से। सऊदी अरब से मैं छुट्टी गया था, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। एक आदमी ने पूछा, मेरा एग्ज़िट परमिट 2019 में जनवरी में समाप्त हो गया, क्या मैं नया वीज़ा में सऊदी अरब आ सकता हूँ। ये आप भी पूछते रहते मेरे से, जावेद भाई मैं छुट्टी में आया हूँ और मेरा टाइम ख़त्म हो गया, क्या मैं वापस जा सकता हूँ नया वीज़ा पे। तो सऊदी जवाजात की तरफ से बोला गया कि ऐसे कोई भी आदमी अगर छुट्टी पे जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो उनके लिए 3 साल के लिए आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जैसे मेरा देख लीजिए, आपको 1 फरवरी से बैन लग गया मेरे ऊपर 2022 में, तो 22, 23, 24 मैं 2024 के बीच में या लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ, उससे पहले नहीं जा सकता। अगर मेरा कफील मेरे को बुला लेता है उसी वीज़ा पे तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर किसी और देश में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि कोरोना के टाइम पे अपनी नौकरी खो दिए और वो सब फंसे हैं, अभी भी फंसे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना देश ही बदल लिया है। खैर चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी कुछ ज़रूरी न्यूज़। ध्यान दीजिएगा, हुंडी वाले से पैसा भेजते हैं तो ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। 10 पैसा 20 पैसे के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर लीजिए, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, वीडियो देख लीजिए पूरा, शेयर कर दीजिए फेसबुक पेज पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने ये वाला बेल आइकन नहीं दबाया है क्या, ये वाला देखिए, ये वाला बेल आइकन दबा दीजिए, शायद आपने पर्सनलाइज पे किया हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे वाला, ताकि जब मैं वीडियो आपको डालूँ ना तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ आपको पूछना हो तो। मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।